क्वेश्चन दो का सवाल है क्वेश्चन से टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अ लाइट ऑफ वेव लेंथ लैमडा वन ऑन प्लेट वन एंड लैमडा टू ऑन प्लेट टू और लैमडा वन लैम्डा टू के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है कि लेमडा वन इज इक्वल टू ट्वाइस लैमडा टू सवाल है मैक्सिमम कार्नेटिक एनर्जी विल बी और के वन के टू के बीच में हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं इनको कंपेयर करके हमें बताना है कि के वन के टू के बीच में क्या रिलेशन होएगा सो नाउ इसको अगेन आइंस्टीन की इक्वेशन से हम चालू करेंगे जिसको हम कहते हैं कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइनॉट ना पहले वाले केस में हमने लेमडा वन इस्तेमाल किया है आ, तो पहले वाले केस में जो हमने लेमडा वन की वेवलेंथ की फोटोन इंसिडेंट है तो उस केस में हम लिखेंगे के वन विल बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा वन माइनस फाइनॉट दूसरे केस में जो हमने लेमडा टू यूज़ किया है उस, उस केस में हम लिखेंगे के टू विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैमडा टू माइनस फाइनऑट नाउ हमें रिलेशन दिया हुआ है सवाल में कि लेमडा वन इज इक्वल टू टवाइस लेमडा टू और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा टू विल बी इक्वल टू लेमडा वन बाय टू अब इस लेमडा टू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये अपनी पहली क्वेश्चन होगी यहाँ पर लेमडा टू को रिप्लेस कर दें तो आपका के टू बन जाएगा के टू विल भी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा वन बाय टू तो टू ऊपर ले आते हैं माइनस नाव अगर इस पहली ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई नाओ यार थोड़ा सा हमें मैनुपलेन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमें के वन के टू कम्पेयर करना है तो यहाँ पे हम ये लैमडा वाली जो टर्म है इसकी सुपारी देंगे वो करने के लिए हम करेंगे कि पहले वाली इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाइड बाई टू उसमें से आप माइनस करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर टू सो इसको जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस के ट्वाइस के वन माइनस uh, नहीं विल बी इक्वल टू ये आएगा आपका टू एच सी बाय लेमडा अच्छा इसको अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू 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 यहाँ पे आ गया और ये वाली टर्म जब इससे माइनस मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी सो लेफ्ट हैंड साइड आपका बनेगा हम uh, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं माइनस के टू विल बी इक्वल टू ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी uh, इसमें से अब हम ये माइनस कर रहे हैं uh, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं सो so, ऑलराइट right, तो ये आएगा माइनस टू फाइन प्लस फाइनोट यानी कि वैल्यू फाइन हो जाएगी विच एम्प्लाइज ट्वाइस के वन माइनस के टू इज इक्वल टू फाइनोट माइनस आया ये इज इक्वल टू माइनस फाइन विच एम्प्लाइज के टू को उधर ले जाते हैं इसको उधर ले जाते हैं के टू इज इक्वल टू ट्वाइस के वन प्लस ना अगर हमें यहाँ पर कंपेयर करना है के uh, टू uh, जो है वो आपका अगर इसको देखोगे तो अच्छा इसको अगर हम पकड़ के टू से डिवाइड कर दें सो ये आपका बाय टू बन जाएगा ये आपका बाय टू बन जाएगा सो जो आपके डिज़ायर रिजल्ट है वो वो आ गया आपका के वन इज़ इक्वल टू ये आया के टू बाई टू माइनस फाइव नॉट बाय टू यानी कि आपका के वन जो है वो के टू से छोटा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि के वन इज़ लेस देन के टू बाय टू फॉर द सिंपल रीजन की उसमें से कोई एक पॉजिटिव टर्म आपकी माइनस हो रही है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी के वन इज लेस देन के टू बाय टू वुड बी द राइट आंसर